अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आकिब अली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो सभी यूट्यूबर्स के लिए है। फ्रेंड्स, यूट्यूब दिन ब दिन अपडेट होता जा रहा है और अब यूट्यूब का स्टूडियो भी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप यूट्यूब के नए स्टूडियो से कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वक्त यूट्यूब का ओल्ड वर्जन था और अब यूट्यूब बहुत ज़्यादा ही अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको यही सब सिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप यूट्यूबर्स के लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले ऐसे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और सर्च बार में टाइप करता हूँ youtube.com। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ से अपने चैनल के लोगो पर आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ YouTube स्टूडियो में। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कॉपीराइट वाले ऑप्शन में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीराइट, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैचिंग वीडियोज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल व्यूज़, डेट, चैनल और कितने परसेंट मेरी वीडियो लोगों ने कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 100% ही मेरी वीडियो अपलोड की है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इसको 10 रो है, मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ और यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी 32 वीडियो है जो कि इन तमाम चैनल्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर री अपलोड की है। ठीक है, चलें फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है 506 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो मैं इस चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक लगाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लिंक बनी हुई आ रही है, जो नीचे वाली लिंक है वो मेरे अपने चैनल की है और जो ऊपर वाली लिंक है वो इस चैनल की है। तो मैं ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे चैनल की वीडियो है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डॉट बने हुए आ रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्रिंग्स माई राइट। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चूज वन। ठीक है, मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ कॉपीराइट इशू पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है सबमिट अ कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल। ठीक है, चलें फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे क्लोज करता हूँ और मैं आपको जो दूसरा तरीका है वो भी बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अ वीडियो। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ वर्क, किस टाइप का वर्क है। मैं ऐसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियो है तो मैं ऐसे वीडियो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है सब कैटेगरी। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियो है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है माय वीडियो यूआरएल। ठीक है, तो मैं अपना यूआरएल कॉपी कर चुका हूँ वीडियो का और यहाँ से कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी वीडियो आ चुकी है। ठीक है, मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ इन्फ्रिंग्स कंटेंट, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपकी वीडियो किसी ने पूरी कॉपी की है तो आप एंटायर वीडियो पर क्लिक कर दें, अगर आपकी वीडियो का कुछ पार्ट किया है तो यहाँ पर कस्टम ऑप्शन आ रहा है, ये आप देख सकते हैं स्टार और एंड। ठीक है, तो मेरी वीडियो 100% है तो मैं एंटायर वीडियो पर क्लिक करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यूट्यूब URL ऑफ दी वीडियो टू बी रिमूव। ठीक है, जिस वीडियो को आप रिमूव करना चाहते हैं या उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाना चाहते हैं उसका लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी की मदद से इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। जिस बंदे ने मेरी वीडियो रीअपलोड की थी सिर्फ टाइटल का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ये मेरी वीडियो का ओरिजिनल टाइटल है और ये जिसने मेरी वीडियो रीअपलोड की थी उसने ये टाइटल रखा था। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है लोकेशन ऑफ इन्फ्रिंग्स कॉन्टेंट, यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंटायर वीडियो पे। ठीक है, और उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड टू लिस्ट पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं नंबर 2 पे लिखा हुआ है कॉपीराइट ऑनर, यहाँ पर आपको अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अफेक्टेड पार्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहले पे आ रहा है माई सेल्फ और सेकंड पर आ रहा है माई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट। तो आप माई सेल्फ पे क्लिक करें, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको लाजमी लिखना है रिलेशनशिप, कॉपीराइट, कॉन्टेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैं ऑनर लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ कॉपीराइट ओनर। तो यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है। फ्रेंड्स आपको वही नाम अपना टाइप करना है जो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में है, ठीक है। आपको अपने चैनल का नाम यहाँ पर टाइप नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप जिस कंट्री से भी है वो यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर चुका हूँ। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना एड्रेस ऐड कर दें, और इसके अलावा यहाँ पर सिटी का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर कंट्री और यहाँ पर पोस्ट कोड, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेकेंडरी ईमेल। तो यहाँ पर आप अपने चैनल के अलावा जो आपकी दूसरी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलें मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है रिमूवल ऑप्शंस एंड एग्रीमेंट्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूवल टाइमिंग। फ्रेंड्स अगर आप यूट्यूब की तरफ से उस चैनल को 7 दिन का नोटिस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक लगा दें। फ्रेंड्स 7 दिन का नोटिस का ये मतलब होता है कि वो बंदा अगर 7 दिन से पहले अपनी वीडियो डिलीट कर दे तो उसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगेगी, और अगर वो 7 दिन के बाद भी वीडियो डिलीट नहीं करता तो यूट्यूब उसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर चेक लगाते हैं तो यूट्यूब का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो डायरेक्ट रिव्यू करने के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों चेकबॉक्स पर आपको चेक लगाना है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर में आपको वही नाम टाइप करना है जो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सबमिट के बटन पे, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। इसमें मैं चेक लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट बहुत ही आसानी से सबमिट हो चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूवल रिक्वेस्ट, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि हमने 506 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई है, ठीक है। तो अभी ये अंडर रिव्यू है। फ्रेंड्स यूट्यूब का रिप्रेजेंटेटिव जब भी ये रिव्यू कर लेगा तो उस चैनल के पास कॉपीराइट स्ट्राइक का ऑप्शन चला जाएगा और उसके पास से हमारी वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।